जॉनी कमिंग विद द नेड ओपनिंग अभी के लिए नहीं निकल कर आ पाई है। नियो भी यहां पर एक नेड को कर चुके हैं। नियो के नेड से निंजा काफी ज्यादा लो हो चुके हैं एंड आई थिंक ये वाला नेड जो है ना जॉनी का थर्ड जो नेड था ये थोड़ा सा डिसाइडर काम कर सकता है। यहाँ पर नॉकआउट करने में सक्षम फ्री फायर यहाँ पर कितने बढ़िया टांगों पे, वो कहते हैं ना टंगिया से जिन्ना लंगड़ा सी लंगे आने वाला टाइम तेरे भाई था, लकड़ की नीचे से टांगे दिख रही थी वहां पर डैमेज दिया यहाँ पर जोनाथन ने एंड एक अच्छी हाइट पर जाना चाह रहे हैं। एक बढ़िया नॉकआउट यहाँ पर निकाला। LSM नूब यहाँ पर अभी के लिए डाउन होती हुई एनकोर कर रहे हैं उनको यहाँ पर डाउन। TSM coming up with a great knockout. Johnny यहाँ पर काफी बढ़िया काफी confident sound कर रहे हैं। Off guard angle पर rocks है। I think rocks भी यहाँ पर एक अच्छी higher ground advantage से कुछ kills निकाल सकते हैं। Neo बढ़िया entry frag कर रहे हैं। Neo काफी confident sound कर रहे हैं। So आइए लेके चलता हूँ आपको Neo के entry frag की तरफ। पीछे से ADS cover fire आया। I think Z पीछे से आ रहे हैं। Spot out कर रहा है। ये भी टांगों को aim कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर NRX के बॉर्ड निकल कर आएंगे। रॉबिन थोड़ा सा स्मोक यहाँ पर है और स्मोक कर देंगे ताकि एक साइड का तो विजन ब्लॉक हो जाए और सामने से यहाँ पर एम करने में आसानी हो जाए। बस यहाँ पर नियो एक काफी क्योटिक मॉल की तरफ चले गए। उतनी ज्यादा विजिबिलिटी भी नहीं है। मॉली यहाँ पर थी, मॉली यहाँ पर खत्म हो चुकी है एंड नाउ द टाइम बहुत ज्यादा लो कर दिया है। ST8 के जितने भी प्लेयर्स हैं काफी ज्यादा लो है। जॉनी कमिंग अप विद सम मोर नॉकआउट। जॉनी यहां पर काफी ज्यादा अटैकिंग अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं आगे। साथ में नियो भी बढ़ जाएंगे अंदर यहां पर एंट्री लेकर जाने वाले हैं। स्पॉट करा यहां पर रॉबिन पर छिड़ देंगे इनको भी। एक ही प्लेयर बचेगा वो भी यहां पर फिनिश ऑफ हो जाएंगे। जॉनी इज लुकिंग रियली गुड, नियो लुकिंग रियली गुड। जॉनी यहां पर डाउन जरूर हो चुके हैं बट आई थिंक आखिरी बचा हुआ जो प्लेयर प्रधान वो भी यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। दिस मैच एंड फॉर टीम ST8 किल्स कमिंग अप इन द TSM पॉकेट एंड सबके खाते में आई थिंक एक एक किल आ गया। जॉनी के पास दो, रॉक्स के खाते में नहीं आया। पूरी एज ए TSM एज ए होल के खाते में यहां पर क्या बढ़िया खेल आ गए एंड ST8 इज नो मोर इन द मैच। रिस्पेक्ट फॉर ST8, बच्चों की खुशी के लिए जान दे दी। अरे भाई इतने खतरनाक कमेंट्स। यहाँ पर आया उस टीम की तरफ जिसने पिछले मैच में यहाँ पर अभी के लिए थोड़ा सा टफ टाइम दिया था बट किल्स यहाँ पर कर लिए सिक्योर। TSM having 8 kills in the pocket and क्या बढ़िया स्लैम इन। आई थिंक मिड रेंज के अंदर से किल्स निकाल लिए TSM ने एंड आई थिंक रॉक्स की यहाँ पर कैजुअलिटी आ चुकी है। तो TSM एज अ होल यहाँ पर अभी भी बची हुई है। 3 प्लेयर्स यहाँ पर अभी भी जीवित। भाई आप ऑफिशियल टूर्नामेंट में कास्ट करोगे तो जब मजा आएगा। हाँ तो करेंगे ना दोस्त, मेहनत तो देखो मेहनत करना हमारा काम है। अब वो अर्जुन भी कहते हैं ना कि अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी कहते हैं जहां तक मुझे लगता है अर्जुन को बोला था कि बस कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो। सो हमारा काम है कर्म करना, फल की इच्छा फल देखना भगवान का काम है यार, वो अपने आप देख लेंगे। मैं इस चीज में काफी मानता हूँ। सो सब कुछ उनके हाथ में। क्लॉक की टीम यहाँ पर अभी के लिए नोवा वो स्टेकन यहाँ पर धीरे धीरे अपना जो अटैक है उसको बढ़ा रहे हैं बिकॉज इनकी टीम का एक प्लेयर डाउन है। अगर उनको रिवाइवल भी देना है किल्स भी निकालने सो ऑल इन अटैक तो यहाँ पर बनता ही है। गाड़ी का कवर है, बग्गियों का भी कवर है, सामने से एक प्लेयर तो यहां पर जरूर आएगा एंड उस प्लेयर को इनको ठीक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। ब्लाइंड की टीम जोन के बाहर डाउन हो रही है। TSM एंटिटी के प्लेयर्स यहां पर अभी के लिए थोड़े से टफ टाइम है। जॉनी की तरफ डालनी पड़ेगी नजर, आया इनके ऊपर भी स्लैमिंग थोड़ा सा। जॉनी यहां पर आ रहे ADS ग्लेच जॉनी का। नियो की तरफ डालते फिर नजर, नियो काफी इजिली जीगोट को दे देंगे रिवाइवल एंड ग्लोबली स्पोर्ट्स की टीम आज भैया अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। स्पॉट करा क्लॉ के आधी को डैमेज देने की कोशिश। क्लॉ बिल्कुल ठीक समय पर जोन के अंदर अपनी एंट्री लेकर जा रही है एंड TSM भी जोन में बिल्कुल ठीक समय पर अपनी एंट्री लेकर जा चुकी है। ग्लोबल, गॉडलाइक और TSM इन तीन टीम्स की बड़ी खतरनाक यहां पर फाइट बनने वाली है। क्या लग रहा है गाइस इन तीन के क्लस्टर में से कौन सर्वाइव करेगा। जॉनी यहां पर डाउन करते जा रहे हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। जी गॉड बिल्कुल जोन के कॉर्नर पर नॉक पड़े, क्या रिवाइवल मिल पाएगा। सामने से गॉडलाइक भी है, किसी ने किसी एक को तो यहां पर जाने पड़ेगा रिवाइवल के लिए। क्लॉक की टीम नीचे डाउन दरेज है, नियो को यहां पर स्मोक्स का यूज करना पड़ेगा। सामने गॉडलाइक की टीम है, आई थिंक यहां पर जीगोल को रिवाइवल देने में उतनी मुश्किल नहीं आएगी। एस पावर को यहां पर काफी अच्छा डैमेज देने की कोशिश में थे नियो। TSM एंटिटी जी गॉड को रिवाइवल मिल रहा है, जॉनी वहां पर रिवाइवल दे रहे हैं। सो एक से भले दो से भले तीन एंड यहां पर TSM वापस से अपने 3 मैन स्ट्रॉन्ग काफी अच्छी अटैकिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। मैंने आपको बोला था गाइस कि आप एक और मैच रुक जाओ, पिछले मैच के जितने पॉइंट से TSM कवर अप कर लेगी। ये लो फिर 10.10 किल्स तो ऑलरेडी आ गए साथ में नियो यहां पर बट अब इनके ऊपर चार्जिंग आएगा पूरे 4 प्लेयर्स का गॉडल का। किस तरीके से रिटालिएट करोगे अब देखते आइए। एक प्लेयर को नॉकआउट करने की कोशिश, रेड गोस डाउन। TSM एंटिटी नियो इज लुकिंग रियली गुड, पीछे से लो जरूर करा। इट्स ऑल अप टू जॉनाथन नाउ। जॉनाथन के पास यहां पर मौका है, ये 3v4 की फाइट निकाल सकती है TSM। ग्लिच यहां पर जरूर लगा, सी गॉड यहां पर हील अप कर चुके हैं। एक ही प्लेयर बचेगा TSM का, आई एम रियली सॉरी गॉडल का एंड द नेम इज गॉडल अलादीन। डाउन कर सकते हैं, स्पॉट आउट कर चुके हैं ओपन एरिया के अंदर एंड दे गॉट द चिकन। ये लीजिए फिर जितनी दिक्कतें पिछले मैच में थी, आई टोल्ड यू कि वापस आ जाएगी टीम अपने आप। जितना समय TSM को रिक्वायर्ड है उतना समय आप TSM को दे दो, कर ले दो जितना पहले मैच में जितने किया था, अब ले लो फिर स्वाद। आई नो आई एम बीइंग टॉक्सिक अ बिट बट
दिस इज व्हाट हैज हैपेंड गाइस, टोटल डोमिनेशन, दिस इज व्हाट यू कॉल। कितने, बाप रे, 14 किल्स लेकर जा चुकी है, 8 किल्स के ऊपर जोनाथन के पास सिंगल।